देखिए यहाँ पे इसको सील कर दिया गया है, दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा इसको सील कर दिया गया है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गवर्नमेंट के द्वारा इसको सील कर दिया गया है। नंबर एक है कमलेश यादव पुत्र राम केवल यादव निवासी बहरामपुर थाना एम्स जनपद गोरखपुर। दूसरे हैं दीनानाथ प्रजापति पुत्र मोहन निवासी कुसुमी बाजार थाना जनपद गोरखपुर एवं तीसरे जो हैं मनोज कुमार पुत्र सुदर्शन यादव निवासी रछवा पार थाना पिपराई जनपद गोरखपुर। ये यहाँ पे आप रहते थे क्या? हाँ भाई साहब। क्यों ये क्यों खाली हो रहा है? अब इसमें कुछ सरकार का अपना कुछ है मैटर, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सरकार सील कर रही है इसको। अच्छा, सरकार सील कर। आप इस जो इंस्टीट्यूट है ये, इसके मालिक हैं आप? बाबू हाँ। क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है? अब बाबू हम मन के तो बाबू अब गवार मनई का जान थे और जो कहीं है तो सरकार कहीं है बाबू। अच्छा, आप उनके पिताजी हैं कमलेश यादव के? हाँ। अब हम मन के का मालूम बाबू, हाँ जो कहीं है बाबू जो कहीं है सरकार कहीं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग कुसुमी में हैं और कुसुमी में आप लोग देख सकते हैं ये आर्यन यादव ITI कॉलेज है और यहाँ पे आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई किया है और उन्होंने बताया है कि ये जो ज़मीन है ये सीलिंग का ज़मीन है, अवैध तरीके से इस पे कब्जा किया गया है और उनके बहुत सारे ज़मीन जो हैं बहुत सारे मकान हैं उनको जब्त कर लिया गया है। आपको एक चीज़ और बता दें कि 105 करोड़ की संपत्ति गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया है और आप देख सकते होंगे यहाँ पे पूरी गाड़ी लगी हुई है और इस हॉस्टल में जितने लोग रहते थे वो सभी लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। ये यहाँ पे आप रहते थे क्या? हाँ भाई साहब। क्यों ये क्यों खाली हो रहा है? अब इसमें कुछ सरकार का अपना कुछ है मैटर, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सरकार सील कर रही है इसको। अच्छा, सरकार सील कर रही है। और चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबू राम कौल। अच्छा, आप इस जो इंस्टीट्यूट है ये, इसके मालिक हैं आप? बाबू हाँ। क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है? अब बाबू हम मन के तो बाबू अब गवार मनई का जान थे और जो कहीं है तो सरकार कहीं है बाबू। अच्छा, आप उनके पिताजी हैं कमलेश यादव के? हाँ। अब हम मन के का मालूम बाबू, हाँ जो कहीं है बाबू जो कहीं है सरकार कहीं है। चलिए चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ये लोग भी शायद किराएदार ही हैं और ये लोग भी यहाँ से खाली करके जा ही रहे हैं। आशीर्वाद मैरिज लॉन, इसको भी गवर्नमेंट के द्वारा सील कर दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्वजनिक सूचना एक लगा दिया गया है कि किस लिए इसको जो है सील किया गया है। यही भर नहीं, अभी पीछे इसके चले जाएंगे तो ITI कॉलेज है और वहाँ पे हॉस्टल भी था, कुछ बच्चे वहाँ पे रह के पढ़ाई करते थे, कुछ बच्चियाँ रह के पढ़ाई करती थी। इधर चले जाएंगे आप तो एक आशीर्वाद गेस्ट हाउस है, इसको भी और ये तीनों और उसके बाद कुछ अवैध तरीके से गवर्नमेंट के जो अनुसार बताया जा रहा है कुछ अवैध तरीके से जो ज़मीन अर्जित किया गया था वो सारे ज़मीन जो है गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है एक बैनर भी लगा दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार का जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं और आप यह भी जान सकते हैं कि ये जो लगाया गया है ये किस लिए लगाया गया है और जो अपराध है वो भी साफ साफ दर्शा दिया गया है इसमें कि कौन कौन सा अपराध उनके द्वारा किया गया था जिसके वजह से ये जो संपत्ति है वो कुर्क किया जा रहा है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट के भी कुछ अधिकारी जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और वो इसलिए इन्वॉल्व हैं क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि अगर सीलिंग की ज़मीन है तो ना तो उसे कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है, तो फिर उस ज़मीन को कैसे लोग खरीद रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं, इसमें कौन लिप्त हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी। तो आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पर पूरा ताला लगा हुआ है और एक चीज़ आप लेके आइएगा, थोड़ा सा कैमरा लेके आइए, आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा जो है देखिए यहाँ पे इसको सील कर दिया गया है, दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा इसको सील कर दिया गया है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गवर्नमेंट के द्वारा इसको सील कर दिया गया है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो गेस्ट हाउस था उसको भी सील कर दिया गया है और बाकी जो उधर ITI कॉलेज था और उसमें जो बच्चे रह के पढ़ाई करते थे रूम लेकर के पढ़ाई करते थे उन लोगों को 2 से 3 दिन का मोहलत दे दिया गया है कि आप लोग उसको जल्द से जल्द खाली करें और उसके बाद जो है उस पर भी ताला लग जाएगा।